आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। श्री कृष्ण विराजमान वाद मामले में जनपद न्यायाधीश राजीव भारती ने न्यायालय ने वादी रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के बाद मामले में दाखिल किए गए रिवीजन को स्वीकार किया है और उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को निरस्त करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि अब श्री कृष्ण विराजमान वाद स्वीकार किया जाता है और अब ये वाद मथुरा जनपद के अधीनस्थ न्यायालय में चलेगा। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसके माथे पर है, हमें स्वीकार है। अब क्या आगे कार्रवाई होनी है इसके संदर्भ में इसकी नकल लूँगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। और चूंकि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील हूँ, इसकी कॉपी मैं लखनऊ भेजूँगा, सर्टिफाइड कॉपी लेकर के। वहाँ पे जो उनको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा रेमेडी तो कल माननीय उच्च न्यायालय बस्ती है, कोई रेमेडी बस्ती नहीं। इसके अलावा निर्णय को हमारे पिटीशन को दावा को खारिज किया था, ये माना हमको दावा करने का अधिकार नहीं है। हमने माननीय जनपद महोदय के यहाँ रिवीजन फाइल किया, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे रूलिंग को देखने बाद ये माना कि हमको दावा दायर करने का अधिकार है और ये भी माना कि जो हमने कंप्रोमाइज चैलेंज किया वो लीगली चैलेंज किया है और हमारा सूट अब लोअर कोर्ट में चलेगा। लोअर कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इसी सिलसिले में रामपुर में जोहान यूनिवर्सिटी के चांसलर कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होकर उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। दो दिवसीय दौरे के आखिर दिन आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से निर्माण कार्यों में लगी कंपनी के बारे में जानकारी की और उन्होंने लस्ट महीने का अपडेट पूछा तो इस पर सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने चीफ इंजीनियर को फटकार लगाई। पुलिस के सारे अधिकारियों से कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे पूरे प्रदेश के सारे नगर विकास से रिलेटेड, जो चाहे टाउन एरिया हो जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, नगर पालिका हो जिसको क्या बोलते हैं, नगर नहीं, नगर पंचायत तो टाउन एरिया कहते हैं, नगर पालिका है म्यूनिसपैलिटी या नगर निगम, सारे के सारे उनको, सारे पुलिस अधिकारियों को, रेवेन्यू अधिकारियों को, एसडीएम से लेकर के डीएम कमिश्नर सारे के सारे और सारे अधिकारियों को कल उन्होंने कल उनका जो मुख्यमंत्री जी ने पीसी की थी उन सारी बातों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे उनको दोबारा एक बार फिर से इनसे रिट्रेट किया कि जिससे उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो। अखिलेश यादव के बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त करने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध दर्ज कराया है। वहीं अखिलेश यादव को राम विरोधी बताया। विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और बेटा इस तरह के बयान दे रहा है। अखिलेश यादव तुष्टिकरण में पूर्ण रूप से अंधे हैं और वह बार बार जो है हिंदुओं की भावनाओं पर जो है घात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1990 में उनके पिता श्री ने अयोध्या को रक्तरंजित किया, यहाँ पर गोलियाँ चलवाई, निरीह राम भक्तों को मारा, आज जो है अयोध्या के ही लगभग आधा दर्जन परिवार उनको प्रतिदिन कोसते हैं। अखिलेश यादव गाजियाबाद के खोड़ा रोड पर एक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर कुछ युवक गाड़ी के ऊपर बैठकर स्टंट बाजी और हाथ में रेड बुल लिए खुलेआम स्टंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से इन युवकों को प्रशासन का कोई डर नहीं है, ना ही किसी नियम का पालन कर रहे हैं। एक गाड़ी में कई युवक सवार है, हाथ में रेडबुल लेकर के और गाड़ी की बोनट पर बैठ करके स्टंट करते हुए खुलेआम नजर आए हैं। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम युवक धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को रौंद दिया है, जिसके बाद सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घटना के बाद राहगीरों ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। रोक साइड में दो लड़के थे, बाइक से थे, उनके ऊपर और ट्री में टक्कर मार, तीन लड़के घायल है, बोले अस्पताल में भेज दिया। गाड़ी आ रही थी इधर सब्जी मंडी की तरफ से, दुबई के पड़ाव सब्जी मंडी की तरफ से, तो एकदम उनका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया, तो एक बच्चा आ गया उसके नीचे, उसके ऊपर से पूरी निकल गई गाड़ी, उसके हाथ पैरों में काफ़ी चोट है, दो बुजुर्ग बैठे हुए थे ट्री में, वो भी घायल हो गए। गाड़ी टक्कर मारने के बाद ट्री के साथ ही रुक गई थी, उसके बाद लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? तीन चार लोग घायल हैं। सामने से एक रेड कलर की गाड़ी आ रही थी, मैं चौराहे क्रॉस कर रहा था, सामने से आके उसने बड़ी जोर से टक्कर मारी थी। गाड़ी इधर मथुरा साइड से आ रही थी, मैं इधर से दुबई से पड़ाव को क्रॉस कर रहा था। वहीं आगरा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 6 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से नकदी और आभूषण बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। जांच में ये संज्ञान में आया कि कुछ लोग जो चोरी किए हैं वो यहाँ से फरार हो गए हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही थी और अभी वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है इरफान पुत्र रईस, गुलफाम पुत्र फ़हीम और आसिफ पुत्र यूसुफ। ये तीनों नाई की मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्हीं के मकान के आसपास के निवासी हैं और एक चौथा व्यक्ति जो वहीं का निवासी है वो फरार चल रहा है। इन चारों ने मिलकर उस घर में चोरी की थी। कुशीनगर पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है और 18 मई को एक महिला की धारदार हथियार से हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किया है। नगर में एक महिला श्रीमती दुलारी देवी की कुराल से मारकर हत्या की गई और इस घटना में कश्यप पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अर्जुन कश्यप को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से आला कतल उधार की बरामदगी की गई है तथा प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को। कुशीनगर के एक जनसेवा केंद्र में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और चोरी किए गए सामानों के साथ शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 7 मई को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तथा 1 अदद पेनड्राइव, 1 LCD LED TV और 2 मेमोरी कार्ड की बरामदगी की गई है। प्रकरण में अग्रेतर विधि कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। प्रतापगढ़ में खेत जाते समय किसान की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया और कहा कि मेन लाइन का तार टूट कर गिरा हुआ था, अगर समय पर तार ठीक हो जाता तो जान बच जाती। और मृतक के परिजनों ने कहा जब तक कोई बिजली विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं आएगा तब तक हम लोग पोस्टमार्टम के लिए शव नहीं ले जाने देंगे, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझा कर मामले को शांत कराया। मेरा भाई गाँव में जा रहा था और तार गिरा था, उसमें उर्द की फसल थी और उसने तार दिखाई नहीं दिया और भाई उसकी लपेट में आ गया और झुलस गया, उसमें खत्म हो गया। खबर संभल से है, जहां एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद युवक के पिता ने प्रधान समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं परिजनों पर दर्ज फर्जी मुकदमा खत्म कराने को लेकर दरोगा ने पैसे की मांग की और दरोगा ने 20,000 रुपए भी लिए। इस मामले में मृतक के पिता ने पुलिस पर भी प्रधान से मिले होने के आरोप लगाए। फिलहाल युवक की मौत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
ये शाम तो बड़ाउन में लोग रहते हैं, नन्हे वगैरह गुड्डू वगैरह, उन्होंने पांच भाई हैं, उन्होंने साहब पहले लड़ाई हुई थी चार पाँच दिन पहले, उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी ना कर दी दाऊद भाई ने, प्रधान जी ने, और उनकी करा के और मेरे लड़के का मर्डर करा दिया उन्होंने। आज सुबह तुर्तीपुर इलाके में एक हत्या की सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने के बाद तत्काल प्रभाव से सबको पीएम के लिए रवाना किया गया। वहां पर कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस मिले हैं जिसके एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। मृतक के पिता ने ओमकार ने चार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है जिसके FIR पंजीकृत कराकर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।